नमस्कार, मैं हूँ यास्मीन। सुशांत सिंह राजपूत को इस दुनिया को अलविदा कहे हुए 2 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन उनकी मौत से जुड़ी गुत्थी अभी तक नहीं सुलझी है। जब से ये मामला सीबीआई के हाथ पहुंचा है, तब से इस केस में बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। कुछ दिनों पहले ही इस केस में ड्रग्स का एंगल सामने आया था, जिसके बाद से ही एक बार फिर रिया चक्रवर्ती हर किसी के निशाने पर आ गई। पिछले 2 महीने से चुप बैठी हुई रिया अब सुशांत मामले में खुलकर बात कर रही। हाल ही में एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में रिया चक्रवर्ती ने अंकिता लोखंडे पर निशाना साधा। रिया ने कहा, अंकिता सुशांत से प्यार करती थी तो फिर वो कैसे मेरा दर्द नहीं समझ रही। उन्होंने 4 साल से सुशांत से बात नहीं की, ये उन्हीं का दिया स्टेटमेंट है। वो उन्हीं के घर में रह रही थी। उन्होंने सिर्फ एक हिस्से के पेमेंट की तस्वीर दिखाई है, दूसरी नहीं। और कितनी आसानी से अंकिता लोखंडे ने ये रोक लिया है, जैसे सुशांत की विधवा है, जबकि वो किसी और के साथ रिलेशन में है, जो सुशांत और अंकिता के ही दोस्त थे। वो भी उनके रिलेशनशिप के दौरान। सुशांत की एक पिक्चर भी है उनके बॉयफ्रेंड विक्की जैन के साथ। रिया ने आगे कहा, मुझे ये काफी अजीब लगता है कि वो सुशांत के ही दोस्त के साथ रिलेशनशिप में है और उनके ही घर में रह रही थी। उनसे 4 साल से बात तक नहीं की, लेकिन वो ये भी दावा करती हैं कि सुशांत ने 1 साल पहले उन्हें फोन करके कहा है कि मैं सुशांत को हरास करती हूँ, पर आपसे तो बात ही नहीं हुई और आप तो उनके घर में रह रही हैं, आप झूठ बोलती हैं। बता दें कि कुछ दिनों पहले ही अंकिता लोखंडे ने एक चैनल से बातचीत में रिया चक्रवर्ती पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा था कि रिया सुशांत को हरास करती थी और सुशांत उसके साथ खुश नहीं। ये वजह है कि अब रिया ने अंकिता पर निशाना साधा है और उन्हें झूठा बताया। यहाँ आपको बताते चलें कि बीते शुक्रवार को सीबीआई ने रिया से तकरीबन 10 घंटे तक पूछताछ की थी। इस दौरान सीबीआई के अधिकारियों ने रिया से मामले से जुड़े 31 सवाल पूछे थे। ये पहला मौका था जब सुशांत की मौत के मामले में सीबीआई ने रिया चक्रवर्ती से पूछताछ की है। वहीं अब रिया को दोबारा सीबीआई के अधिकारियों ने पूछताछ के लिए बुलाया है।